समाजवादी मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष शाकिर अली रैनी के नेतृत्व में 3 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजा गया, जिसमें मांग की गई है कि कम दरों पर महानगर वासियों को बिजली दी जाए, बिजली विभाग द्वारा अवैध वसूली रोकी जाए, हाउस टैक्स व वाटर टैक्स में भी गरीब आदमी को राहत दी जाए। ज्ञापन देने वालों में फहीम मंसूरी, तस्लीम खान, राजकुमार, कमर आलम, शाहिद, अजीम आदि बड़े तादाद में सपा कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्ञापन दिया जा रहा है श्रीमान जिलाधिकारी द्वारा। ये जो है तो गरीब बस्तियों में चेकिन हो रही है, गरीब आदमी जबकि एक नंबर की बिजली जलाता है और समय से बिल देता है और रात को घुस के और जो है तो अभद्र व्यवहार करते हैं महिलाओं से और फिर उसके बाद में पैसे मांगते हैं, समझे। उससे पहले भी जनहित में शिकायतें की गई है परंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ये गरीबों की चुनी हुई सरकार है और गरीबी आदमी आज इसमें परेशान है। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हो रही अवैध वसूली पे रोक लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए और गरीबों के निःशुल्क मीटर लगाए जाएं और गरीबों के बिजली के दर कम से कम किए जाएं। 200 रुपये महीना होना चाहिए एक गरीब आदमी का बिल।